डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, खासतौर पर जब आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हो। दिन रात पढ़ो, बहुत सारे मार्क्स लो और बहुत सारे अवार्ड्स लो, घर का काम करो, गोल रोटियां बनाओ और ज्यादा अचीव करो। और जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हमें कहा जाता है घर बैठो, अपनी डिग्री को रिश्तों के लिए शो ऑफ करो, और फाइनली हमारी शादी कर दी जाती है। लेकिन मैंने किसी भी मजबूरी और किसी भी मुश्किल को अपने कैरियर के रास्ते में नहीं आने दिया। अपने फैसले मैंने खुद किए, अपने रास्ते मैंने खुद चूज़ किए। जब कोरोना की वबा आई, जितने भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक थे जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह, उन सब का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया था। उस टाइम पे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए हर डॉक्टर को ऑन ड्यूटी होने की जरूरत थी। पाकिस्तान में तकरीबन 1,65,000 डॉक्टर हैं और उनमें 70% खवातीन हैं। 22% खवातीन शादी के बाद इस पेशे से वाबस्ता रहती हैं और बाकी सब घर बार संभालती हैं। इस कमी की वजह से हम बहसियत कौम बहुत ज्यादा सफर करते रहे हैं और सफर कर रहे हैं। मैंने अपने आप को कोरोना की ड्यूटी के लिए रजाकाराना तौर पर पेश किया, इस बात की परवाह किए बगैर कि मैं खुद एस्थमा की मरीज हूँ। डॉक्टर्स एक गैर जंगी आर्मी की तरह है। उनको फौजियों की तरह ही सराहना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो हर वबा का डट के सामना करें। खवातीन को अपने शोबे में काम करने से नहीं रोकना चाहिए, उनको घर में बिठाकर रखने से सोसाइटी की इज्जत और वकार में कोई इजाफा नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स को हम वक्त तैयार रहना चाहिए जब भी किसी को उनकी जरूरत हो, क्योंकि A doctor cannot work from home.